बांके बिहारी लाल की जय। सबसे पहले आप सभी को पापान कुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को पापान कुशा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगा, क्योंकि इसको सुनने मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। तो आप सभी लोग बिहारी जी के दर्शन करते करते पापान कुशा एकादशी की व्रत कथा सुनिए। कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। अब मैं आप सभी को पापान कुशा एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी यानी इंद्रा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत की क्या विधि है और इसका व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, आप मुझे सविस्तार वर्णन सुनाइए। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापान कुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर के में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापान कुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों एवं पापों को शमन कर देता है यानी खत्म कर देता है। सो हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें पापान कुशा एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति के पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिया को लेने के लिए आए और यमदूत ने बहेलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है और हम तुम्हें कल लेने आएंगे। ये बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मेरे जीवन भर पाप कर्म की ही किए हैं, कृपा करके मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापान कुशा एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत के पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही हम लोग वापस लौट गए। यह थी पापान कुशा एकादशी की व्रत कथा। पापान कुशा एकादशी के व्रत में दान दक्षिणा का विशेष महत्व है, इसलिए इस एकादशी में दान अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के दिन गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके हरि चिंतन भजन करने वाले मनुष्य की अपनी सहित कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा करते समय धूप, दीप, नारियल, पुष्प का प्रयोग किया जाता है और भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। पापान कुशा एकादशी 1000 अश्वमेघ और 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फल देने वाली एकादशी होती है।
जो भक्त इस एकादशी के रात्रि में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा को सुनने वाले एवं सुनाने वाले दोनों ही मनुष्यों का कल्याण होता है। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। राधे राधे, जय बिहारी जी की।